आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रुप के शैवालों द्वारा एकल कोशिका प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स नहीं है। तो आइए गाइस देख लेते हैं। देखिए, जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है, एकल कोशिका प्रोटीन, वो ज़्यादातर एल्गी, जीवाणु, कवक, इनसे पाई जाती है। आइए इन्हें हम लिख कर बता देते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन शैवालों के साइनोबैक्टीरिया ग्रुप से ज़्यादा पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप से पाई जाती है ग्रुप से पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर हम लिख कर बता दें, अर्थात जो प्राचीन जीवाणु एवं एल्गी है, प्राचीन जीवाणु एवं शैवाल है। देखिए, साइनो यहाँ पर दे रहा है एल्गी का नाम, और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही, यहाँ पर इससे दो नाम दिखाई दे रहे हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो प्राचीन समय से अभी तक चले आ रहे हैं। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया, अर्थात जो प्राचीन जीवाणु एवं शैवाल हैं, इस ग्रुप से लगभग 50-80% प्रोटीन पाई जाती है। बहुत सारे ग्रुप हैं गाइस, कुछ शैवाल हैं, कुछ कवक हैं और कुछ जीवाणु हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया से सर्वाधिक प्रोटीन या CSP पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।